आज से ठीक 4 साल के बाद अमन अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने वतन लौटकर आ गया था। यहाँ आने के बाद उसकी जॉब दिल्ली के एम्स में लग जाती है। अमन बहुत खुश था। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। अमन सीधा मेट्रो पकड़ता है और दिल्ली एम्स मेट्रो स्टेशन पर उतरता है। यहाँ से उतर के वॉकिंग डिस्टेंस होता है एम्स का और वो वहां की तरफ चल देता है। तभी उसके पास एक महिला भागी भागी आती है और कहती है कि साहब मेरे पास तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा खरीद लीजिए। अमन कोई जवाब नहीं देता। फिर वो औरत अपने कुछ गुब्बारों को दिखाती है कि ये देखिए, ये ऐसा गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, कोई सा भी एक गुब्बारा ले लीजिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप एक गुब्बारा ले लेंगे तो मैं खाना खा सकती हूँ। इतना कहते ही अमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर वो कौन महिला थी गुब्बारे बेचने वाली, जिसे देखकर डॉक्टर अमन रोने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आज की इस सच्ची घटना पर मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा एहसास होगा। ये दिल छू लेने वाली कहानी हमारी पटना से शुरू होती है, तो बिना देर किए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका नाम क्या है, आपका किस शहर से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पटना का रहने वाला अमन और वहीं पटना की ही रहने वाली नेहा दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनके स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करना जारी था और वो चाहते थे कि शादी कर ली जाए। लेकिन अभी वो इतने छोटे थे कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते कि वो अब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। एक तरफ अमन जो MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारियां कर रहा था, तो दूसरी तरफ नेहा अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। इस बीच नेहा अमन से कहती है कि अमन देखो, मैं ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकती, मेरे लगातार रिश्ते आ रहे हैं और हो सकता है मेरी शादी कर दी जाए, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो मुझसे शादी कर लो। वहीं दूसरे तरफ अमन कहता है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम 18 साल के भी सही से नहीं हुए, हम कैसे शादी कर लें, और मैं कैसे अपने माँ बापों से कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, जबकि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं पहले डॉक्टर बन जाऊं, कुछ सेटल हो जाऊं, और यही तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते होंगा। नेहा कहती है कि देखो, मेरा काम तो तुम्हें बताना, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो, वाकई में मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लगातार रिश्ते आ रहे हैं और अगर मेरे माँ बाप को कोई रिश्ता पसंद आया तो हो सकता है वो मेरा रिश्ता फिक्स कर दे, हो सकता है अभी नहीं लेकिन 6 महीने या साल भर या 2 साल, लेकिन वो पक्का शादी हो जाएगा, और अगर एक बार मेरा रिश्ता तय हो गया तो उसके बाद फिर मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। अमन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। अमन भी हर हाल में नेहा से शादी करना चाहता था, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि नेहा उससे दूर हो। लेकिन वो इस कंफ्यूजन में था, असमझ में था कि मैं किस तरीके से अपने माँ बाप को इस चीज के लिए कन्विंस करूंगा कि मैं नेहा से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अभी हमारी उम्र ही सिर्फ 18 साल हुई है, और दूसरी बात अभी मुझे MBBS की पढ़ाई भी करनी है, और दूसरा इनकी अगर इन सब चीजों को भी पार पा लो तो नेहा और मेरे परिवार में एक स्टेटस का फर्क होता है। शायद मेरे माँ बाप इस चीज के लिए तैयार ना हो कि नेहा एक साधारण परिवार से है और उस फैमिली में मेरी शादी के लिए राजी ना हो। अब अमन इस सोच में डूब पड़ता है कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। इसी बीच वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। वो उससे बात करता है, कहता है कि प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं अपने माँ बाप से नहीं कह सकता कि मुझे इससे शादी करनी है। मैं जानता हूँ वो किसी भी कंडीशंस में इस चीज के लिए एग्री नहीं होंगे कि मेरी शादी इससे करा दी जाए, लेकिन मैं इससे नेहा से हर हाल में शादी करना चाहता हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि इस चीज में मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अगर तुम्हें नेहा से शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को यह बताना ही पड़ेगा कि तुम्हें नेहा पसंद है और तुम्हें उससे शादी करनी है, और तुम आगे की पढ़ाई या दूसरी चीजें वो शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन अमन बोलता है कि मेरे अंदर इतना साहस नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप इस चीज के लिए कभी भी रेडी होंगे। तो अमन कहता है फिर तुम क्या चाहते हो। वही दूसरी तरफ नेहा से भी पूछता है। नेहा भी सेम प्रॉब्लम बताती है कि अब वो बोलता है देखो, आपके पास में 2 रास्ते हैं। जो उन लोगों का कॉमन फ्रेंड था वो उन्हें एक सजेशन देता है, या तो तुम अपने पेरेंट्स से जाके मिलो, उन्हें सब कुछ सच सच बता दो,
और उन्हें अपना डिसीजन क्लियर कर दो कि तुम हर हाल में इनसे शादी करनी है एक दूसरे से। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता यही है कि तुम लव मैरिज कर लो, और जिसके बाद कुछ टाइम के बाद में अक्सर देखा है कि माँ बाप एग्री हो ही जाते हैं। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप उसके बाद में कुछ दिन के बाद में एग्री हो जाएं और तुम लोगों को अपना ले। ये बात उन सुनने के बाद में अमन थोड़ा सा घबरा जाता है। अमन कभी इतना डेयरिंग काम नहीं किया था और अभी जस्ट उसकी स्कूलिंग ही पूरी हुई थी, तो ऐसे काम उसने से वो थोड़ा सा बच रहा था। लेकिन नेहा की जिद करने के बाद अमन कहता है कि मैं अब ये स्टैंड लेता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपने से अलग नहीं होने दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद वो अपने कॉमन फ्रेंड से बोलता है कि अगर हम लोग शादी करेंगे और तो फिर हमें कुछ टाइम तो कहीं और रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे और उसके बाद फिर से हमें अलग कर देंगे। इसके बाद वो फ्रेंड बोलता है, उनका दोस्त कहता है, इस चीज की चिंता मेरे पे छोड़ दो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं कि कुछ महीने के लिए रहने के लिए इंतजाम करा दूंगा, उसके बाद में जब सब कुछ नॉर्मल होगा तुम वापस आ जाना। ये सुनने के बाद दोनों तैयार हो जाते हैं और दोनों से वो कॉमन फ्रेंड पूछता है कि सारी चीजें अच्छे तरीके से सोच लो, क्या तुम एक दूसरे से लव मैरिज करने को तैयार हो, तभी ये डिसीजन लेना। दोनों इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है, बस हमें एक दूसरे के साथ रहना। इसके बाद उसका कॉमन फ्रेंड बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड दिल्ली में रहता है, तुम वहां दिल्ली जाओ, वो तुम्हारे रहने का, खाने पीने का, बाकी चीजों का सब इंतजाम कर देगा, तुम्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं। ये कहने के बाद अब बात रह जाती है अमन और नेहा पे। अमन और नेहा तय करते हैं कि कल सुबह ही हम ट्रेन पकड़ के सीधे दिल्ली निकल जाएंगे बिना किसी को बताए हुए, और अपना अपना मोबाइल फोन अपने घर पर ही छोड़ के जाएंगे ताकि हमें कोई ट्रेस ना कर सके, क्योंकि अगर मोबाइल फोन होगा तो कोई भी उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेगा और हमें पकड़ लेगा। ऐसा ही होता है, दोनों सुबह सुबह अपना मोबाइल अपने घर पर रखते हैं, कुछ जरूरी कपड़े लेते हैं और जो भी उनके पास पॉकेट मनी होती है, क्योंकि अभी स्कूलिंग था और ज्यादा पैसे नहीं होते, तो जो भी पॉकेट मनी होती है वो लेते हैं और रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से सीधा दिल्ली के लिए आ जाते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उनका एक फ्रेंड मिलता है जो कि उसके कॉमन फ्रेंड ने भेजा था, जिसका नाम अनुज होता है। अनुज मिलने के बाद उनसे कहता है कि आप लोग आ गए, कोई बात नहीं, आओ, और वो ले जाके उनको एक रेंटेड रूम दिला देता है साउथ एक्स के पास में, जो कि एक पोश कॉलोनी है। वहां पे वो रहने लगते हैं और फिर वही उनकी शादी दोनों की हो जाती है, जो कि एक मंदिर में ले जाके करा दी जाती है। इसके बाद में अब अमन कुछ दिन तो उनके साथ में रहता है और नेहा साथ रहते हैं, कुछ खाना पीना चल रहा था, लेकिन हफ्ता भर गुजरने के बाद ही अब उनके पास जो जमा पूंजी थी, कुछ पैसे थे, वो खत्म होने लगते हैं, क्योंकि कुछ रेंट पे दे दिए, कुछ दूसरे को दे दिए और कुछ आने जाने उन खर्चों में हो जाते हैं। अब उनको आगे के रहने के लिए, आगे का सर्वाइव वो कैसे करें, इसलिए अब उनको पैसों की नीड थी। इसके बाद वो एक बार फिर से अपने फ्रेंड को बुलाता है, अनुज को, जो दिल्ली का ही रहने वाला था, उससे बोलते हैं कि हमारे पास अब पैसे खत्म हो रहे हैं और हमें पैसों की जरूरत है। इसके बाद वो अनुज बोलता है कि देखो, मैं पैसों से तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, हाँ अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मैं कहीं जॉब की बात करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जॉब की बात में एक परेशानी आ सकती है, अक्सर दिल्ली के अंदर वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन में हो सकता है ये बात तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा काम दिलाओ जो कि अपने हिसाब से हम चल सके। वो अमन से बोलता है कि मैं तुम्हें पानी सप्लाई का काम दिला देता हूं, अक्सर यहाँ पे पानी सप्लाई का काम बहुत होता है और तुम अपनी मर्जी से आना जाना और टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। अमन को ये काम बहुत अच्छा लगता है और अनुज जल्द ही उसके लिए अगले दिन वाटर सप्लाई का एक जुगाड़ कर देता है। अब क्या होता है, अमन रोज जाता अपने हिसाब से, जिस टाइम उसका दिल करता पानी सप्लाई करता और वापस आ जाता, और नेहा के साथ वो अब हंसी खुशी रह रहा था। ऐसे ही हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरते हैं, दो महीने गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके माँ बाप लड़की के और लड़के के बहुत ज्यादा परेशान थे, वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको जल्द ही पता चल जाता है, इस चीज का आभास हो जाता है कि ये दोनों एक साथ भाग गए हैं, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के बाद दोनों का ही एक बात कहनी थी कि ये नेहा के साथ भागा है और ये अमन के साथ भागा है। अब एक दूसरे के अगेंस्ट केस भी रजिस्टर्ड होने लगते हैं, लेकिन
इसी बीच में उनके बीच बचाव किया जाता है और कहा जाता है कि ये फैमिली मैटर है, इसको हम मिलकर सुलझा ले तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये बात दोनों के फ्यूचर को खराब कर देगी और हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे का डिसाइड करें। दोनों लड़की के यानी नेहा के माँ बाप और अमन के माँ बाप इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं और वो अपने ही लेवल पे अब उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके समझ आ चुका था कि ये दोनों अपनी मर्जी से कहीं भाग गए हैं, क्योंकि सारे जरूरी सामान और फोन नंबर वो अपने घर छोड़ गए थे। इसी बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था नेहा और अमन के बीच में। अमन डेली मटर सप्लाई करता और जो भी पैसे होते वो उसके खाने पीने में खर्च करते थे। इसी बीच जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना की साइड के बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, उन्हीं में से एक अमन की जानकार जो उनके पिताजी का दोस्त था वो अमन को देख लेता है वहां पर वाटर सप्लाई करते हुए साउथ एक्स में। वो फोटो खींचता है और सीधा अमन के पिता को भेज देता है कि आपका बेटा तो दिल्ली में पानी की सप्लाई कर रहा है। ये देखने के बाद उनके माता पिता को बहुत गुस्सा आता है और उनको बहुत दुख भी होता है, जिस एक अकेला बेटा था जिसको हमने फूलों की तरह पाला वो आज इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा। अब वो बिना देर किए अमन के माता पिता तय करते हैं कि अमन को वापस लेके आना। अमन के पिताजी और उसके चाचा जी फ्लाइट पकड़ते हैं और बिना देर किए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं और यहां से सीधा साउथ एक्स अमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी अमन उनको कहीं नहीं दिखाई देता। वो तय करते हैं कि अमन को देखा इसी जगह गया था, तो अगर वो आज नहीं आया तो हो सकता है वो कल आए। इसी बीच उनको ध्यान आता है कि अमन तो पानी की सप्लाई करता है और पानी की सप्लाई करने का मतलब है कि वो सुबह में जरूर आएगा। इसके बाद उसके पिताजी और चाचा जी ठीक सुबह 5 बजे ही साउथ एक्स पहुंच जाते हैं और वो वहां पर उसको ढूंढने लगते हैं। अभी 6:30 ही बजे थे कि अमन सामने से एक गाड़ी पर रेड़ी पर पानी की बोतलें लेके जा रहा था और उसके पिताजी उसे सामने आके खड़े हो जाते हैं। पिताजी को सामने देखकर अमन अपनी निगाहें बचाने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मुझे इस दिशा में देखने के बाद पिताजी किस तरीके का रिएक्ट करेंगे। पिताजी को बहुत दुख हो रहा था अपने बेटे को इस दशा में देखने के बाद में, क्योंकि एक तरफ पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और कहां वो पानी की बोतलें सप्लाई कर रहा है। वो उसे कुछ नहीं कहते, सीधा जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। अमन भी अब उनके गले मिलकर रोने लगता है। दोनों बेटे और पापा आपस में मिलकर बहुत रोते हैं। उसके चाचा भी उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने ये क्या किया, हमसे कम से कम एक बार बात तो करता, शायद कुछ तो हल निकालते। और तुझे पता है तेरे जाने के बाद तेरी मम्मी की तबीयत कितनी खराब है, पता नहीं वो बचेगी नहीं बचेगी, और जल्दी से चल, हम बिना देर के अब वापस जाना चाहते हैं। तब अमन उनके साथ चलने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी तो नेहा इंतजार कर रही है, वो अकेली है, उसका क्या करूंगा मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम्हें नेहा की चिंता है तो मैं एक काम करता हूं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, मैं चाचा जी को वहां पर भेज देता हूं और चाचा जी जाकर नेहा को भी वापस लेकर आ जाएंगे, लेकिन तुम जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना। क्योंकि अमन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अमन चाहता था कि वो एक बार नेहा से मिल ले, वो उसे फोन भी करना चाहता था, लेकिन नेहा के पास फोन नहीं था, उस सिर्फ एक ही फोन था जो कि अक्सर अमन रखते थे, अपने अपने फोन वो पहले से ही घर छोड़कर आ चुके थे। अब वो फोन भी नहीं कर सकता था, लेकिन पिताजी के फोर्स करने पर और कहने के बाद और चाचा के कहने के बाद वो वहां से चल देते हैं और उधर दूसरी तरफ वो चाचा नेहा को लेने के लिए चले जाते हैं। वो उसे लेकर सीधा पटना वापस आते हैं। पटना में जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माताजी उसके गेट पर खड़े होकर बुरी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेटे को देखते ही मां के आंसू बहने लगते हैं। वो बेटे को गले लगा के फूट फूट के रोती है कि बेटा तू कहां चला गया था, तूने हम किस हाल पे छोड़ दिया, एक तू ही तो अकेला हमारा सहारा था। बेटा भी रोता है। फिर दोनों सब लोग बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, उसका खाने पीने के लिए देते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर अमन पूछता है कि वो नेहा कहाँ है, मुझे एक बार नेहा से बात करनी है। इतना सुनने के बाद उसके पिताजी अमन के पास जो मोबाइल था वो उससे लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं, उसका सिम भी तोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा नेहा से कांटेक्ट ना कर सके, और कहते हैं कि तू आज के बाद नेहा को भूल जा, नेहा से तेरा कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अमन इस बात के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अमन के माता पिता और दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा होते हैं, चाचा होते हैं और दूसरे रिश्तेदारों के जोर देने के बाद, और अमन अभी इतना बड़ा भी नहीं था कि उन्हें इनकार कर सके, उनके आगे उसे झुकना पड़ता है और उनकी बात को मानना पड़ता है। अब उसके चाचा जी आते हैं और अमन से कहते हैं कि अमन, मैंने नेहा को घर पहुंचा दिया है, अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पिताजी ने कहा है कि आज के बाद अमन कभी भी नेहा से ना मिले, इसलिए बेटा अब तुम उससे मत मिलना। इधर अमन के चाचा जी बोलते हैं कि इसका ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन करा देते हैं MBBS का, और वहां जाके ये आगे की पढ़ाई कर लेता है। माँ बाप के और चाचा के फोर्स करने के बाद अमन बिना देर के ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ता है और वहां जाके इसका एडमिशन, यहाँ आके वो अच्छे से पढ़ाई करता है, डॉक्टरी पूरी करता है, 4 साल की उसकी डॉक्टरी पूरी होती है और डॉक्टरी पूरी करने के बाद वो वापस लौट आता है। इसके माँ बाप पेरेंट्स बहुत खुश थे कि बेटा तूने बहुत अच्छा करा। इसके बाद वो बिना देर किए माँ बाप से कुछ नहीं कहता, कहता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। वो सीधा भागा भागा नेहा के घर पहुँचता है। नेहा के घर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर नेहा नहीं रहती, उसके माँ बाप रहते थे, वो अब से 3 साल पहले ही यहाँ से छोड़ कर चले गए, जब से उनके लोगों ने ताने देने शुरू किए कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी। वो उसे ढूंढता है कहीं, लेकिन उस नेहा का कोई पता नहीं चलता, ना नेहा के माँ बाप का। फिर वो घूम फिर के अपने उस कॉमन फ्रेंड के पास जाता है, जिस फ्रेंड ने उनको बताया था कि कैसे वो दिल्ली में जाके रह सकते हैं। उसे उम्मीद थी कि कोई हो ना हो, लेकिन वो उसको अच्छी तरीके से जानता होगा। वो सीधा अपने उस दोस्त के पास पहुंचता है और दोस्त से मिलके बात करने लगता है और पूछता है कि नेहा कहाँ है। इतना सुनने के बाद उस कॉमन फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बहुत भला बुरा कहता है, उसे गालियां भी देता है, यहां तक कि उन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ में, एक लड़की जिसने अपने माँ बाप छोड़े, अपनी पढ़ाई छोड़ी, सब कुछ छोड़ा तेरे लिए, और तू उसे बीच मझधार में छोड़ के अपनी खुशी के लिए चला गया। अरे कम से कम इतना तो करता कि उसे उसके घर तक तो पहुंचा देता है, कभी उसके घर भी नहीं पहुंचाया तूने। ये सुनने के बाद अमन बताता है कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं, मैं नहीं जानता, और मुझे तो बताया गया था कि वो घर। वो कहता है तू झूठ बोलता है और उसे बहुत गालियां देता है, कहता है कि इसके जगह अगर तेरी बहन होती तो तुझे कैसा लगता, और भी दूसरी बातें कहता है। ये सुनने के बाद अमन फूट फूट के रोने लगता है, लेकिन उसका दोस्त बोलता है अब रोने से कोई फायदा नहीं और ना ही मैं तुझसे बात करना चाहता, तू मेरे पास से चला जा। अमन वहां से चला जाता है। अमन कई जगह ढूंढता है, काफी लोगों से बात करता है, लेकिन नेहा का कोई पता उसे नहीं चलता। इसी बीच उसकी दिल्ली एम्स में जॉब लग जाती है और वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में जाऊंगा तो शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए। वो सीधा दिल्ली पहुंचता है, यहाँ से रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, नई दिल्ली से वो फिर एम्स के लिए चल देता है। एम्स में कि मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस होता है एम्स का, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर चल रहा था, तभी पीछे से एक महिला भागी भागी आती है और उसे आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद में अमन रुकता है और वो देखने लगता है कि एक महिला उसे गुब्बारे बेचने के लिए कह रही है। वो उसे तरह तरह के गुब्बारे दिखा रही थी कि बाबूजी ये गुब्बारा बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए, मैंने तुमसे पूरे सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर आप ले लेंगे तो। अमन उसके चेहरे को देख कर रोने लगता है, उसके आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुब्बारे बेचने वाली इस बात से अनजान वो सिर्फ गुब्बारे ही दिखा रही थी, लेकिन काफी देर के बाद जब वो अमन को जवाब नहीं देता तो वो उसके चेहरे की तरफ देखती है। चेहरा देखते के साथ ही अमन को वो समझ जाती है कि ये मुझे देख के क्यों रो रहा है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही नेहा थी जिसके आज से 4 साल पहले अमन उसे यहां छोड़ के चला गया था दिल्ली के साउथ एक्स में। अमन उसको पकड़ ले रोकता है और कहता है कि तुम कहां थी, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। ये सुनने के बाद नेहा उस पर गुस्सा होती है कि तुम मुझे यहां छोड़ के चले गए और तुमने मेरा ख्याल भी नहीं रखा, मैंने कैसे कैसे वक्त गुजारा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके बाद भी अमन उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो नहीं सुनती और वो उससे पूरी तरह से नाराज थे। इसके बाद अमन अपनी जॉब पे ना जाके सबसे पहले साउथ एक्स की तरफ जाता है। साउथ एक्स में वो उस घर में पहुंचता है जहां पर वो रहते थे, लेकिन वहां भी
उनको कोई जानकारी नहीं मिलती। उनका कहना था कभी रेंट पे आते हैं, लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए। आपसे जो चार साल पहले बता रहे हैं कुछ थोड़ा थोड़ा हमें याद है, वहां पे रहते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो लड़की यहां से खाली करके चली गई। अमन फिर वापस एम्स आता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि गुब्बारे बेचते हुए वो यहीं कहीं मिल सकती है। एक बार फिर से वो गुब्बारे बेचती हुई उसे दिखाई दे जाती है। अमन उसके पास जाता है, उसके रिक्वेस्ट करता है, उससे माफी मांगता है, कहता है एक बार मेरी बात सुन लो, चाहे जिंदगी में फिर कभी तुम मुझसे ना मिलना ना बात करना। सारे खड़े हुए पास में लोग ये चीजें देख रहे थे कि किस तरीके से एक डॉक्टर एक गुब्बारे बेचने वाले से माफी मांग रहा है, कान पकड़ हाथ जोड़ रहा है, एक तरीके से मजमा सा लग जाता है। चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखने के बाद नेहा उससे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे आज शाम को मिलती हूँ, आप मुझे अभी गुब्बारे बेचने हैं, मेरे पे खाने को भी पैसे नहीं है। अमन कहता है कि तुम आज गुब्बारे नहीं बेचोगे ना, मैं कहीं जा रहा हूँ, पहले हम बात करेंगे। उसके बाद वो उसे लेके जाता है एक रेस्टोरेंट में, वहाँ उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है। नेहा काफ़ी दिन के बाद खा रही थी, उसके खाने के तरीके से ही पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने दिनों से ये भूखी हो। अमन अभी भी उसकी आंखें नम थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नेहा से इस दशा में मिलेगा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें तो मेरे चाचा जी ने घर पर छोड़ दिया था और उसके बाद तुम कहाँ चले गए थे। ये सुनने के बाद नेहा बताती है कि मेरे पास में कोई नहीं आया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और वो तो शुक्र था कि मेरे साथ में वो अनुज जो लड़का था जिसने हमें रहने का इंतज़ाम किया था, उसने मुझे अपनी बहन की तरह प्यार किया, अपने साथ रखा, वही अपने मुझे घर भी ले गया, अपने माँ बापों के साथ में मुझे रखा, वहीं उसकी वाइफ भी थी, वाइफ भी मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करने लगी, उन लोगों ने कुछ टाइम रखा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी और मैं गुब्बारे बेचने लगी, और मैंने अपने माँ बापों से भी कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं ठीक हूँ लेकिन मैं वापस नहीं आना चाहती, इसके बाद मैं तब से गुब्बारे बेच रही हूँ। इसी बीच वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी थी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया, मैं तुम्हें, उसके बाद वो बोलती है कि इसके लिए तुम एक बार अनुज से ज़रूर मिलो। अनुज भी आता है, अनुज भी मिलता है, अनुज बहुत बुरा भला बुरा उससे कहता है, लेकिन वो अनुज को समझाता है कि मैं किस तरीके से मुझे गलत तरीके से रास्ता दिखाया गया और मुझे इस चीज़ का यकीन दिलाया गया कि नेहा ठीक है। मैं उसके घर भी गया था, तुम चाहो तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं चला। फिर उनको यकीन आ जाता है कि जो ये अमन है वो सच बोल रहा है, और वो कहता है कि इतनी प्यार करने वाली तुम्हें लड़की कभी नहीं मिल सकती, ये लड़की पता है चाहती तो अपने घर जा सकती थी, इसके पेरेंट्स ने भी इसे अपने घर बुलाया था, लेकिन इसका कहना था कि अमन आज नहीं तो कल मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, और कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि इसका विश्वास जीता और मैं हार गया, और मुझे हार के आज ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जीत लिया हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम आए और तुम इसे आज अपनाना चाहते हो। उसके बाद वो कहता है कि मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, कहता है कि लेकिन एक शर्त होगी, अपना सकते हो लेकिन तुम्हें आज ही इसे यहाँ से लेके जाना होगा, और आप भी तुम सीधा अपने घर पटना वापस जाओगे, और पटना वापस जाने के बाद में तुम अपने माँ बापों के सामने कहोगे कि मैंने इससे शादी की है, ये मेरी वाइफ है, और मैं इसे किसी भी कंडीशंस में अपने से अलग नहीं होने दूंगा, ये इसके साथ में हमेशा रहूं, अगर तुम ये सब कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा, अगर तुम ऐसा करने का साहस नहीं रखते तो दोबारा तुम्हारे यहां पर आने की जरूरत नहीं है। अमन उनको भरोसा दिलाता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, आप मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दो अपने आप को साबित करने का। अमन बिना देर के फ्लाइट के 2 टिकट बुक करता है पटना के लिए, और वो सीधा बिना देर किए पटना पहुंच जाते हैं। पटना पहुंचते ही वो अपने घर पहुंचता है, घर पे पिताजी अमन को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि अरे तुम्हें तो दिल्ली होना चाहिए, अपनी जॉब को ज्वाइन करना था, जिसके बाद वो दिखाता है कि मैं अपने साथ किसी को लेकर आया हूं, और वो नेहा से मिलवाता है और कहता है कि मैंने पिताजी नेहा से शादी की है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरी वाइफ है और इसको आपको अपनाना पड़ेगा। अब माँ बाप को भी समझ में आ चुका था कि शायद अब हमारे बस में अमन को समझाना ना हो। वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा जी भी अमन के माता पिता को कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं अगर एक दूसरे को पसंद करते कि कोई ना कोई तो लड़की चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी लड़की और प्यार करने वाली लड़की मिलेगी तो इससे अच्छी क्या बात होगी। आखिरकार कुछ समय के बाद में, कुछ बहस के बाद में, कुछ चीज़ों के बाद में
वो उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्द ही नेहा के माँ बाप को भी ढूंढ लिया जाता है और उनको भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद एक बार फिर से नेहा की और उनकी दोनों की धूमधाम से शादी कराई थी जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हैं, ये बताना बिल्कुल ना भूलें।